आप सभी का स्टार स्टोन एचडी पॉइंट पे स्वागत है। अभी तक हमने बहुत सारे वीडियो देखा जिसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। ये भी एक जो वीडियो हम ला रहे हैं ये अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित है, सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 से संबंधित है। इसमें जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम चैप्टर वाइज वीडियो ला रहे हैं। वीडियो कैसे ला रहे हैं भैया, चैप्टर वाइज, मतलब हर एक चैप्टर आपका क्लियर होते जाएगा, जिससे आपको नंबर को गेन करने में बहुत ही प्रॉफिट होगा। मतलब आपको नंबर, आपने नंबर को जितना चाहें उतना इंक्रीज करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ चाहता है, मतलब भारत में वित्तीय वर्ष चालू कहाँ से होता है। तो सिंपल है, देखिए हर एक देश में वित्तीय वर्ष अलग अलग चालू होता है। अगर यूएस को ले लें, अमेरिका को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले, मतलब अदर ऑफ कंट्री को ले लें, तो वो सब कंट्रियों के वित्तीय वर्ष चालू होते हैं कब से, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। कि हम लोग तो भारत के हैं, तो हम लोग भारत के हैं तो उल्टे पुल्टा चालू होगा। तो हम लोगों का कहाँ चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कहाँ से भैया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष होता क्या है, थोड़ा सा इस बार चर्चा कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष होता क्या है, तो वित्तीय वर्ष वो होता है जो सरकार के समय सीमा निर्धारित करता है, अर्थात सरकार को उसमें से कुछ पैसा मिलता है, उसी समय सीमा के अंतर्गत उस पैसे को क्या करना होता है, खर्च करना करता है, अपने देश को विकसित करना होता है। तो हमारा भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी। और नीचे आंसर में भी लिख कर दे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय किसे जाना जाता है भैया, राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय की गणना विधि। देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब आप निकाल कैसे सकते हैं, आय की गणना विधि से निकाल सकते हैं, उत्पादन गणना विधि से भी निकाल सकते हैं, और व्यवसायिक गणना विधि, इन तीनों विधियों से क्या कर सकते हैं आप राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं, खूब बहुत बढ़िया से निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बिहार में प्रति गरीबी में गुजर रही है, भारत जो है बिहार में कितने लोग गरीबी से गुजर रहे हैं, तो 40.4% लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। देखिए यही नहीं पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सबसे कम की बात करें तो वह हो जाएगा शिवहर। कौन सा जिला हो जाएगा, शिवहर। शिवहर किस में है, डी में, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखिए आई गया क्वेश्चन कह रहा है कि नामांकित में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हो। तो भैया पटना में है, पटना हमारा बिहार का क्या है, राजधानी है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्या कह रहा है, देखिए वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा थे फिशर जो थे अर्थशास्त्र, परिभाषा अर्थशास्त्र फिशर ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7 क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय वह होता है जो एक देश के अंदर समय सीमा में उत्पादन किया गया हो, उत्पादन के साधनों को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है कैसे, निर्माण में, कृषि में, परिवहन में, व्यापार। देखिए कह रहा है बिहार के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। प्राथमिक क्षेत्र में आता क्या है, जितना न खेत में से उत्पादन किया जाता है सब प्राथमिक, जैसे खेती, भैंस पालना, गाय पालना, मुर्गा पालना, मुर्गी पालना, ये सब किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में धान उत्पादन करना, चावल उत्पादन। अब बिहार में क्या है, बिहार में ऐसी बेरोजगारी है, बिहार में है क्या, ना इंडस्ट्रियल है ना कुछ है, तो है क्या भैया, कृषि। यहाँ पर लोहा भिगोगे जमीन में से कट्टा निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा कृषि, क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्या है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत भैया आयकर को शामिल किया जाता है, किसको, आयकर को, आयकर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। 10 क्या करें, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है। अभी बताया था कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय कम होता है, तो कम होता है तो शिवहर में, सर्वाधिक किसका हो जाएगा, पटना का हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक दर रही है। योजना क्या होता है, एक योजना बनाता है और योजना काल में भारत कितना वृद्धि कर रहा है। कोई भी देश होता है, कोई आदमी ने ऐसे टारगेट बनाता है कि 10 दिन में पढ़ेंगे, 10 दिन में हमारा कितना इंप्रूव कर रहा है। पहले 100 क्वेश्चन मारता था, 30 को 40 हो रहा, 10 दिन जम के पढ़ा, अब 100 को मारा है, 32 को 34 को, तो वो क्या परसेंटेज आपका इंक्रीज कितना क्या होता है, भारत का इंक्रीजिंग है 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, यह कौन सा है जो राष्ट्र की
गणना का आयाम नहीं है, तो वो सकल घरेलू उत्पाद ये तो खूब आराम से कर सकते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये भी है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये भी है, तो कौन सा मौद्रिक उत्पादन, मौद्रिक उत्पादन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बिहार की आय सर्वाधिक योगदान होता है, बिहार में कहाँ से आ जाता है? अरे भैया हैया का है, कृषि के अलावा बिहार में कुछ है? ये हो जाएगा कृषि, किस सेक्टर में आएगा? कृषि, ए से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के तहत, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था, कब लगाया था? 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 कह रहे हैं कार के बदले में जो परिश्रम मिलता है उसे क्या कहते हैं? इनकम, उसी को तो इनकम कहते हैं, उसी को आय कहते हैं, क्या कहते हैं? आय। आज जैसे मान लें कोई है लेबर है, आपको दिन भर वर्क करता है उसको शाम को पेमेंट दिया जाता है, कोई ऑफिसर है दिन भर काम करता है उसको मिलता है, कोई टीचर है उसको, मतलब काम के बदले में जो कुछ आपको मिले वो सब कुछ क्या है? इनकम, सब कुछ इनकम, उसी को कहते हैं आय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के तरफ। 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? 25,494 रुपया है, ये आंकड़ा है, इसको ज़्यादा याद करिए, ठीक है नहीं याद करिए कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? इसमें कन्फ्यूज नहीं है भैया, प्रति व्यक्ति आय गोवा का सबसे अधिक, प्रति व्यक्ति वो आय होता है जो देश की कुल आय में टोटल जनसंख्या से जब डिवाइड करते हैं तो जो निकल के आता है ना वही प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति का आय, वो काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है सबका क्या होगा? वो इनकम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्पादन एवं आय गणना विधि के आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या है? इसमें कह रहा है उत्पादन एवं आय की गणना विधि कहाँ से की जाती है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, ये तीनों है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 18 क्वेश्चन हम देख लिए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है, वर्ष 2005-06 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? तो उस समय महाराष्ट्र में थी, फिलहाल में गोवा अभी तक मतलब कुछ निकल कर नहीं आया है, 2011 के बाद जनगणना क्या बोलते 2011 के बाद वैसा कोई डाटा नहीं निकला है, अभी देखिए डाटा जब निकलेगा खुद ही पता चलेगा, अभी तो फिलहाल में 2005-06 का पूछ रहा था, इसमें याद करेंगे महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 करा है, वाई बराबर सी प्लस आई फार्मूला को बताया, प्रोफेसर फिशर ने बताया था, किसने बताया था? प्रोफेसर फिशर ने, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्या करा, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बढ़े हैं, देखिए क्वेश्चन खत्म 21, चैप्टर नंबर 2 अर्थ इकोनॉमिक्स से जो चैप्टर नंबर 2 है उसका मतलब ये क्वेश्चन है 21 को, ये भी आप देखते रहिए, इन सब क्वेश्चनों को देखते रहिएगा तो आपको कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, प्रोफिटेबल हो गया। और इस बार जो हम क्वेश्चन आए ना इसमें आंसर आपको देते गए, हर इस बार ऐसा होता था ना डियर हम आंसर आपको नहीं देते, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका सारा आंसर आपको मिलेगा, मतलब आंसर ए बी जैसे आंसर मिला ना, बिहार के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? कृषि, सबका आंसर रहेगा और आपको देखने में आसान हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।